हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं और आपके अभी तक यूट्यूब से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, मतलब अभी तक आपने अपनी पहली पेमेंट जो होती है, जो $100 पे निकलती है, वो अभी तक आपने नहीं निकाली है, लेकिन आपके गूगल एडसेंस के अंदर $100 हो चुके हैं और आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इन $100 को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूं या इनको कैसे निकालूं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपके गूगल एडसेंस के अंदर $100 हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके आगे का क्या प्रोसेस रहता है। सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, कैसे आपको उसे बैंक अकाउंट के अंदर लेना है, एक एक चीज़ को मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। आपको भी सबसे पहले अपने गूगल एडसेंस के अंदर साइन इन कर लेना है और अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है। और अगर आपके एस्टिमेटेड अर्निंग, जो आपके जो बैलेंस है यहाँ पे गूगल एडसेंस के अंदर, वो $100 हो चुका है, तो उसके बाद आपको क्या करना है इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, होम, ब्लॉकिंग कंट्रोल, पेमेंट्स, अकाउंट, फीडबैक। तो आपको सिंपल इस पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाला पेज ओपन आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग शो करेगा ये, ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिखाएगा आपके पिछले मंथ की, ठीक है, और यहाँ पे हाउ यू गेट पेड यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके नीचे आपको एड पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स मेथड का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो ऐड किया हुआ है, तो आपका तो ऐड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अभी मैनेज पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपको ये ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे दिख रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड किया है, इसलिए मुझे पहले बैंक अकाउंट दिखा रहा है और फिर ऐड पेड पेमेंट मेथड दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आप पहली बार ऐड करेंगे तो ये ऐड पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे आगे ही दिखाएगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट उसमें ऐड नहीं किया है जिससे आपके पैसे विड्रॉ हों उसमें से, ठीक है। तो आपको सिंपल इस ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट इन्फो आ रही है आपकी सारी, यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है वो, बेनिफिशियरी आईडी, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट पे जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे सही सही डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम डालना है, जो आपके बैंक का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है, ये कोड आपको आपकी चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, जिस बैंक अकाउंट है जो भी आपका उसकी चेकबुक के ऊपर IFSC कोड आपको लिखा होता है, ठीक है, वो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्विफ्ट BIC डालना है, मतलब आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड डालना है। अब स्विफ्ट कोड जो है वो कैसे पता करते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सीख लेना कि किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से अपना अकाउंट नंबर री एंटर करना है, दोबारा डालना है यहाँ पे अकाउंट नंबर ही। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, तो आपको यहाँ पे इसे टिक कर देना है कि मतलब ये हमारा पहला पेमेंट मेथड है, प्राइमरी है, ये सबसे पहले रहेगा। मतलब कोई भी अगर विड्रॉ होगा $100 के बाद, वो सीधा इसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेट एज प्राइमरी होता है। जैसे मैंने इसमें अकाउंट ऐड किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक और अकाउंट ऐड करें, तो मैं उन दोनों में से किसी को भी प्राइमरी बना सकता हूँ। जिसको मैं प्राइमरी बनाऊंगा उसमें मेरी जो पेमेंट है वो आएगी पहले, ठीक है, तो इसलिए इस बॉक्स को टिक करते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें फिल करके इसे सेव पे क्लिक करेंगे, तो सेव होने के बाद आपका ये बैंक अकाउंट उसमें ऐड हो जाएगा, और आपके जो भी $100 हुए हैं वो आपके 21 जो तारीख होती है मंथ की, 21 तारीख तक आपको वेट करना है, और उसके बाद वो 21 से 26 या 27 के बीच में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने गूगल एडसेंस के $100 को
जब उसमें $100 हो जाते हैं तो उसको आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।